मैं मौजूद हूँ रीवा के आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन और फूड आर्ट क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ने मिलकर रीवा शहर के इतिहास में पहली बार मास्टर शेफ का आयोजन किया। मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कुछ। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो देख पा रहे हैं, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का यहाँ पर प्रशस्ति पत्र, कुछ लोगों के सर में टोपी। टोपी साफ तौर से दर्शा रही है कि आज पहली बार मास्टर शेफ का आयोजन किया गया है और इस मास्टर शेफ आयोजन में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये बताइए, मास्टर शेफ का खिताब पाके आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लोग वर्किंग है, जैसे पार्लर एसोसिएशन से हैं हम, मैं फेयर वन पार्लर से। क्या बनाया आज आपने? तो मैंने टोस्ट रसाज बनाया, जैसे पुराने स्टाइल पे रसाज चल रहा था, पर बच्चों को कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव चाहिए होता है। हम वर्किंग होते हुए भी किचन में जाके कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव सोचते हैं, जिसमें जो मैंने डिश दी वो यूट्यूब पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। वो मेरा खुद का सोच था कि मैंने एक पहले टोस्ट तैयार किया और उसको फिर रसाज में डिप करके सेकंड फ्राई करके फिर उसको मिल्क क्रीम के साथ प्रेजेंट। मैं आपको बीच में टोकूंगा, आपने जो भी डिश बनाई है मैं आपको पूरा मौका दूंगा, उस डिश को मैं रीवा के दर्शकों के बीच में लेके आऊंगा। एक बार आपके घर पे आएंगे हम लोग, हमारी पूरी टीम आएगी और आपसे वो डिश भी हम बनवा के जरूर देंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर आज मास्टर शेफ पहली बार रीवा के इतिहास में मास्टर शेफ का आयोजन, मास्टर शेफ के आयोजन में भाग लेकर आपने क्या महसूस किया, क्या बनाया था आपने जिससे आपको ये नाम मिला? मैंने आज बनाया था बघेली चिकन बनाया था और उसको थोड़ा सा मुगलई तड़का देके बनाया था, जो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था और जजेस को बहुत पसंद आया। पहली बार देखिए YouTube में भी वो डिश उपलब्ध नहीं है जैसा आपने कहा, और आपने कहा कि मैंने जो डिश बनाई थी वो रिव्यू में पहली बार, मैंने ही पहली बार बनाई थी। आप निश्चित रूप से खान पान में आपका एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पहचान है। मास्टर शेफ का आयोजन रीवा में पहली बार हुआ, यहाँ इतनी महिलाएं खाना बनाने के लिए कभी एकत्र नहीं हुई, तो इतनी सारी महिलाओं को देखकर आपके पीछे खड़े होकर उनको आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आपके पसीनों पे लोग चल सकते हैं? बहुत अच्छा लगा, और महिलाएं तो हमेशा से बहुत अच्छी कुक रही हैं, विशेष तौर पे बघेलखंड में, पर ये पहला मौका था कि उनको बाहर निकल के लोग उनको जान पाए और उनको देख पाए और उनके अंदर की जो क्षमता थी और अंदर की जो उनकी गुणवत्ता थी उसको लोगों ने देखा और वो अपनी डिश यहाँ पे बना पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज घर की दहलीज से भी लोग बाहर निकले और कुछ लोग जो बाहर वर्किंग वुमेन है वो तो काम कर ही रही है। बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था आज मैं यहाँ, जैसे नाम बोलते गए मुझे तो उम्मीद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा जायसवाल है। क्या बनाया था आपने? मैंने रिकमच की सब्जी बनाई थी और साथ में पुलाव भी बनाया था मैंने। रिकमच की सब्जी, जी हाँ, बघेलखंड का एक खान पान में बड़ा नाम रिकमच। बताइए क्या बनाया था आपने और ये इनाम और ये सर में कैप, आपने कभी ऐसा सोचा था? सर एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूं, मैं ग्वालियर में हमेशा जजमेंट करने जाती थी, मैं कुकिंग खुद सिखाती हूं, तो मैंने 5 साल ग्वालियर में सिखाया है, 3 साल रीवा में सिखाया है, बट मेरा मानना था कि अब तो मैंने छोड़ दिया, तो मेरा मानना था कि आज भी मैं भी पार्टिसिपेट करती हूं इतने सालों बाद, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें हार्ट नहीं होगा, तुम वहाँ जजमेंट करने जाती थी यहाँ आई हो जाओगे? मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार जाना है अपने आप को जज करने, वैसे तो मैं दूसरों को जज करती हूँ, आज मैं खुद को जज करने जाऊंगी। तो मैंने बनाया, बहुत ही पुरानी डिश है बघेली डिश, मैं 3 रातों से सोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ बघेली डिशेस पे रिसर्च कर रही थी। क्या बनाया था, नाम बताइए? मैंने बनाया दूध बड़ा। दूध, बताइए। मैंने चने दाल की पूरी बनाई है, मतलब मैंने, और साथ में उसका स्टूनी देने के लिए जो वो होता है ज्यादा ठंड गर्मियों में के लिए, मतलब पुदीना की पत्ती और उसका गुड़ का मैंने वो स्मूथिंग बनाई कि उनको अच्छा लगे। बताइए। बटुआ दम बिरयानी बनाई अपने से ही, मैंने ट्राई किया था घर पे, कुछ मम्मी लोगों से दिखा हुआ था सीखे उसमें। बताइए। जी मैंने तो सोचा नहीं था कि कैब मेरे सर पे होगी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पार्टिसिपेट भी करूँगी, बट रात में मैंने क्या बनाया था आपने? मैंने बनाया था रिकमच और मैं राजस्थान से हूँ, पहली बार रिकमच बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बस ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था कि बघेली व्यंजन, तो मैंने तो YouTube पे सर्च किया, मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मेरे सामने आया रिकमच। क्या आपके रिकमच की थीम क्या थी? मेरी थीम थी कि किचन रसोई से पार्लर और पार्लर से रसोई, पार्लर से रसोई, रसोई से पार्लर, महिलाओं के केवल दो ही शौक
और इन दोनों शौकों ने इनको एक इनाम दिलवा दिया, इनके सर पर एक ऐसी कैप लगा दी जिसको पाकर ये आज बहुत उत्साहित है। निश्चित रूप से अपने आप में ये एक बड़ी बात जिस तरीके का आयोजन यहाँ पर फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ने किया, मैं तमाम यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सबसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए। मैं अपने दर्शकों को एक बार वो दृश्य भी दिखाना चाहूंगा और जिस तरीके से उनके चेहरे पर उत्साह माना जा सकता है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की ये पहल एक अपने आप में बेमिसाल थी।